हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं त्रिवेणी सेवा मिशन के संस्थापक और भारत के पहले राष्ट्र मंदिर के संस्थापक श्री अजय भाई जी। अजय भाई जी एक सोच को लेकर चले हैं, उनका ये उनकी सोच है, उनका ये विचार है कि भारत का अपना एक नारी दिवस होना चाहिए। और अगर हम इस दिन को देखते हैं, अगर पुरुषों में पुरुषोत्तम राम हैं तो माँ सीता से ज़्यादा शक्तिशाली कोई स्त्री शक्ति इस धरती पे नहीं है। तो वो इस विचार को लेके उन्होंने कुछ आयोजनों की शुरुआत की है सीता नवमी की। उनसे जानते हैं कि कहाँ तक वो इसको ले जाना चाहते हैं। अजय भाई जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। जी जी, जैसे कि अभी बहन जी ने कहा कि राम पुरुषों में पुरुषोत्तम हैं और सीता जी नारियों में सर्वोत्तम हैं। एक आदर्श नारी की प्रकाष्ठा है माँ जानकी। एक नारी का संपूर्ण चरित्र कैसा होना चाहिए, एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक महारानी के रूप में, एक सामाजिक रूप में, गृहस्थ के रूप में, तो सीता जी के चरित्र से हमें दिखाई देता है। और जीवन के अंदर जब आदर्श चरित्र स्थापित किए जाते हैं तो समाज और आने वाली पीढ़ी भी उस चरित्र का अनुसरण करके इस समाज को, इस देश को, इस परंपरा को सुंदर बनाते हैं। तो सीता जी के भाव और स्वभाव में वो गुण हैं। अरे आप देखिए, ये हम सब लोग बड़े भाव से रामकथा सुनते हैं, पर सीता जी उस रामकथा की भावात्मक अभिव्यक्ति हैं। अगर रामकथा अगर मंदिर के शिखर की तरह हैं तो माता सीता जी उस मंदिर के उस फाउंडेशन की तरह हैं जिस पर वो रामकथा प्रकाशित होती है। और वैसे भी हमारे यहाँ पर परमात्मा और प्रकृति का एक समन्वय है, तो सीता और राम जी परमात्मा प्रकृति का एक समन्वय है जो आज का युग को दाम्पत्य सूत्र में बंधना सिखलाते हैं, साथ साथ ले जाते हैं। और साथ में एक बात और विशेष है, हम लोग रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी सभी प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को सीता नवमी भी भारतीय नारी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और मई का दूसरा रविवार मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय है, पर भारतीय नारी की प्रकाष्ठा के अनुसार हम लोगों को सीता नवमी को भारतीय नारी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इस दिन हम लोग अपने घरों के अंदर छोटी कंजकों का पूजन करें और घर की जो बड़ी महिला हैं, माता हैं, बहनें हैं, सास हैं, उनका तिलक लगाकर उनका सम्मान करें। तो ये नारी शक्ति का सम्मान नारी के द्वारा नारी के लिए होगा, तो वास्तव में एक समाज में गृहस्थ के अंदर एक सुंदर संदेश जाएगा और राष्ट्र की भी जो संस्कृति है वो और पल्लवित होगी। अजय भाई जी, जैसे मैं बहुत सारी महिलाओं से बात कर रही थी, आपकी कोशिश का ये नतीजा है बहुत सारी महिलाओं को सीता नवमी के महत्व के बारे में नहीं पता था, तो आपकी इस सोच के साथ जो आप आयोजन कर रहे हैं, महिलाओं इसके महत्व को ज़्यादा समझ रही हैं, ज़्यादा लोगों तक ये विचार पहुँच रहा है आपका। अब ये जो जोत आपने 10 मई से जगाई है तो ये भी कहाँ तक जाएगी? देखिए, जैसा हम लोगों ने सीता नवमी महोत्सव प्रारंभ किया है, वैसे तो जनकपुर में, मिथिलांचल, पूर्वांचल में सीता नवमी बहुत उत्सव से मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं, पर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पर सब लोग इसको विस्मरण कर दिए थे, पर यह शक्ति दिवस के रूप में हम लोग जगह जगह करेंगे। और इसके साथ हमने शक्ति सम्मान की भी योजना प्रारंभ की है और भारत की वो नारी जिसने भारत के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग दिया है उसको सम्मानित करेंगे। इस शक्ति सम्मान जो हमने सीता माता जी को समर्पित किया, शक्ति सम्मान के अंदर वो नारी शक्ति भी आती हैं, वो वृद्धा माता भी आती है जो खुद तो अनपढ़ है पर उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन गया, बड़ा इंजीनियर बन गया, और ऐसी नारी शक्ति जो घर में काम करते हुए समाज को नई दिशा दे रही हैं उनका भी सम्मान करना है। वो नारी शक्ति, वो वीर वधु, वो वीर माता जिनके पुत्र सीमाओं पर गए और भारत माता के काम आ गए, तो उस हर नारी शक्ति को सम्मान करना, उसकी शक्ति को जागृत करना, समाज के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटा बेटी के समन्वय के लिए कार्य करना, तो ये सब महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। इसी पड़ाव के अंदर हम लोगों ने दिल्ली से यात्रा प्रारंभ की है और आज दिल्ली के पश्चिम विहार क्षेत्र में महिला संगठन के द्वारा ये कार्य हुआ है, अनेक महिला संगठन इसके लिए आगे आ रहे हैं, उनके लिए जब किया जाएगा। और उसके बाद जनकपुर में समय अनुसार जनकपुर के अंदर भी ये सीता चरितम कथा होगी, अयोध्या जी में भी होगी, तत्पश्चात श्रीलंका के अशोक वाटिका में भी और श्रीलंका के क्षेत्रों में भी ये कथा की जाएगी। जनकपुर माँ जानकी का जन्मस्थल है
अयोध्या जी, श्री धाम अयोध्या जी उनका क्रम स्थल है और श्रीलंका उनका तपोस्थल है। तो सब जगह जाके हम इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे और कहीं विदेशों में भी इस कार्यक्रम की योजनाएं बन रही हैं। आपने जो भी सीता नवमी के उपलक्ष्य में आपने माँ सीता के जीवन वृत्तांत को जब सुनाया तो हर एक आपका आपने जो भी लाइन बोली उसमें स्त्री शक्ति को लेकर आपने बहुत फोकस किया। आज के परिदृश्य में हम देखते हैं, आपको क्या लगता है कितनी ज़रूरत है इसकी? देखिए, समय बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है, पर हमें अपने सांस्कृतिक मूल्य नहीं बदलने चाहिए। शक्ति का सम्मान करना चाहिए, बहन बेटी के रूप में उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज जो आप जमाना देख रहे हैं, परिवेश बदल रहा है, उसमें इस प्रकार की भावना जगाने की बड़ी आवश्यकता है कि किसी प्रकार नारी पर अत्याचार ना हो। जहाँ नारी का सम्मान होता है वह संपन्नता सुख होता है, और इसलिए उस संपन्नता और सुख की स्थायित्व के लिए हमें नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए और हम सबको मिलकर दायित्व निभाना चाहिए। और ये जो सीता नवमी शक्ति दिवस के इसलिए भी कि हम दो दो नवरात्र की करते हैं, पर जब बेटी आती है तो कहीं ना कहीं चेहरे उतर जाते हैं, तो ये भी बहुत विचारणीय पक्ष है। पर साथ में एक बात मैं ये कहूँगा कि राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, तो आए हम भी सब मिलकर दहेज रूपी दानव को मारें। इस दहेज रूपी दानव को मारें, ये बहुत आवश्यक है शक्ति के संरक्षण के लिए, बहन बेटियों के संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए दानव रूपी दहेज रूपी दानव को मारना है और नारी शक्ति को भी आगे बढ़ाने के लिए सबने काम करना है, क्योंकि कथा सत्संग इत्यादि से जो बातें हैं वो बहुत दूर तक सब लोगों के हृदय में बैठती हैं, इसलिए ये माध्यम अपनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रणाम अजय भाई जी, थैंक यू सो मच। देखिए, माँ सीता हमारी भारतीय नारी की शक्ति का और का प्रतीक है, और मुझे लगता है कि इस देश की प्रत्येक नारी का आदर्श भी माँ सीता है। और ये जो अजय भाई जी के द्वारा एक प्रयास किया गया है 10 तारीख से, तो मैं समझता हूँ कि ये वो तो माध्यम है, लेकिन माँ सीता की शक्ति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पहले ही कार्यक्रम में दुनिया के 22 देशों के एम्बेसडर उपस्थित थे, हमारे 3 केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे और लगभग दिल्ली के 7 सांसद जो हैं, एक बाहर थे इस वजह से नहीं आ पाए, लेकिन 6 सांसद वहाँ पर मौके पर उपस्थित थे। तो आज महिलाओं के द्वारा, हमारी बहनों के द्वारा ये यहाँ पर मियांबली में जो आयोजन किया गया है, ये सचमुच मैं समझता हूँ कि 10 तारीख से जो एक शुरुआत हुई है, और भारत सरकार ने भी तय किया है कि सीता नवमी को बड़े स्तर पर जो है भारत सरकार भी अपने माध्यम से मनाने का काम करेगी, तो ये माँ सीता का जो एक भारतीय नारी का आदर्श रूप है उसको मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर जो एक उसकी पहचान जानी चाहिए। मेरे विचार से बहुत जो कार्यक्रम करा है ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, और आगे इस कार्यक्रम को ऐसे ही चलते रहना चाहिए। हमारे हर क्षेत्र में जाकर उनको ऐसे ही कार्यक्रम करने चाहिए, जहाँ तक हमारा साथ होगा हम 24 घंटे भाई जी के साथ खड़े हुए हैं, हम पूरा सहयोग देंगे अपना, यही कहना चाहूँगी। देखिए, मैं सीता जी के जीवन चरित्र को भारतीय नारियों के सशक्तिकरण के रूप में देखता हूँ। मुझे लगता है कि भगवान राम के जीवन में उनको श्री राम बनाने में माता सीता का बहुत योगदान था, तो आज जो समय है वो ये बहुत बड़ा एक समय है कि हम इस चीज़ पर काम करें कि सीता नवमी या सीता दिवस को हम भारतीय महिला के सशक्तिकरण के रूप में मनाएं, और इस काम में मुझे लगता है कि हम सबको पूरा योगदान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज भारत की पूरे विश्व में आज जो एक छवि है उसको देख करके जेंडर का जो रेशियो घटता जा रहा है हमारे यहाँ, अभी भी जितनी प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ हैं, भ्रूण हत्याएँ हैं, दहेज प्रथा हैं, वो सब इसीलिए है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी स्त्री शक्ति को जो उसका सम्मान देना था वो नहीं दिया, और ऐसे में माता सीता एक शक्ति की प्रेरक हैं, एक सबसे बड़ी स्तंभ हैं, तो हमें उनको सामने रख करके आगे रख करके अपनी महिला शक्तियों से ही हम राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। मैं पूनम अग्रवाल, आज ये सीता नवमी जो मनाई गई है ये मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड करी है, ये बहुत ही अच्छी और अपने जो ये अजय भाई जी के सानिध्य में हुई है ये बहुत ही अच्छी लगी मेरे को, और मैंने मतलब सीता नवमी फर्स्ट टाइम सुनी भी मैंने पहली बार ही है ये। मेरा नाम धर्मेंद्र है, और मैं तो जिस तरह आज हमारे मंदिर में मियांवाली सनातन धर्म मंदिर में जो आयोजन किया गया सीता माता जी के जन्म उत्सव पर, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं,
और मेरे को तो ये लगता है कि जिस तरह हमारे देश में प्रभु श्री राम हमारे जो भगवान हैं उनके प्रति हम इतनी सद्भावना रखते हैं और अच्छा उनके लिए विचार रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके प्रति माता सीता का भी बहुत मान सम्मान रखना चाहिए देश की जनता को। हम हिंदुस्तानी सनातन धर्म में जो भी है उनके प्रति अच्छी जागरूकता रखेंगे। जो हमारे देश में आज जो भी क्राइम हो रहे हैं, जो लेडीज़ को अच्छे से नहीं समझते हैं, ठीक है, तो उनको लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके मान सम्मान में जब हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि नारी का सम्मान होना चाहिए, तो हमारे देश में भी नारी का सम्मान होना चाहिए।